तो आज का थंबनेल तो आप देख ही लिए होंगे। तो सिंपली मैं गैलरी में आ जाता हूँ, गैलरी से अपना फोटो को शेयर कर देता हूँ पिकार्ट में। शेयर हो गया पिकार्ट में। आने के बाद सबसे आप पहले आपको ऐड फोटो में आना है। ऐड फोटो में आने के बाद जो आपने रिमूव किया है अपना मॉडल को, तो आप वो मॉडल को यहाँ पे ले आइए। ठीक है, मॉडल को आने के बाद यहाँ पे एकदम सिंपली से एकदम अच्छा से यहाँ पे बैठा दीजिए। ठीक है, और जो इरेजर टूल में आइए। ठीक है, जो यहाँ थोड़ा सा बच गया था उसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। इरेज करने के बाद यहाँ से आपको डन करना है, मतलब सही कर देना है। सही करने के बाद एक और ऐड करेंगे पीएनजी गिटार का, तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप सही से एकदम बैठा लीजिएगा। ठीक है, मैं एकदम सेट कर लेता हूँ और इसको बैठा देता हूँ। कुछ इस टाइप का इसमें आ जाइए। इरेजर में आने के बाद आपको यहाँ से हाथ पे इरेज करना है। ठीक है, कि लगे कि मैं पकड़ा हुआ हूँ गिटार को। ठीक है, है ना, अब लग रहा है कि हम लिए हुए हैं। ठीक है, अब इसको भी डन कर देना है। डन करने के बाद एक शैडो का पीएनजी है उसको भी आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, उसको भी लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये सिंपली अपना पैर के पास लगा लेना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे, और इसको यहाँ से इरेजर में जाके इसको ये कर देना है। ठीक है, यहाँ से टर्न कर देना है। ठीक है, डन करने के बाद मेरा मॉडल जो है वो अपने बैकग्राउंड में चेंज हो गया है। अब इसको लेके जाते हैं हम लाइटरूम में। ठीक है, यहाँ से ड्रॉ टूल में आने के बाद यहाँ थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव टू इमेज कर लेना। ठीक है, यहाँ सेव हो गया। अब सिंपली मैं अपनी लाइट रूम में आ जाता हूँ। ठीक है, मेरा लाइट रूम यहाँ रहा। लाइट रूम में आने के बाद यहाँ पे ऐड फोटो पे आ जाइए। जो मैंने अभी एडिट किया उसको ले आते हैं। यहाँ आने के बाद सबसे पहले अपने मॉडल को यहाँ ले आइए। ठीक है, अब यहाँ तो आप जानते हैं कि यहाँ पहले से मॉडल में लाइट उट तो है, लेकिन लाइटिंग उटिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं लाइट को कम करता हूँ और थोड़ा बढ़ा भी लेता हूँ। जैसे ये वाइट है, वाइट को आप कुछ नहीं है, एक्सपोजर को आपको बढ़ाना नहीं है बल्कि थोड़ा सा डाउन कर देना है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट है, इसको थोड़ा सा 40 या हाईलाइट को थोड़ा सा आपको बढ़ा देना। ठीक है, साइडों को थोड़ा सा भी, मतलब वाइट को थोड़ा एकदम बढ़ाना है क्योंकि आपका फोटो में थोड़ा सा लाइट आ जाए। ठीक है, अब ब्लैक को डाउन करना। ठीक है, देखिए ब्लैक को अगर बढ़ाइएगा तो लाइट आएगा आपके फेस में, अगर नहीं बढ़ाइएगा तो फिर ये ब्लैक हो जाएगा। थोड़ा सा इसको भी हम बढ़ा देते हैं। आप मिक्स में आ जाइए, यहाँ से लाइट में आ जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शर्ट का कलर भी चेंज हो, तो आपका एक कलर का शर्ट होगा तो आपको सिंपली चेंज हो जाएगा। जैसे शर्ट का कलर चेंज करने में आपको सिंपली आना पड़ेगा ब्लू वाला में। अब ब्लू वाला में आने के बाद देखिए हो रहा है ना चेंज, एक कलर का होगा तो चेंज डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपली मतलब ये कलर को रख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं। और फेस में थोड़ा अगर लाइट लाना है तो आपको ऑरेंज में आना होगा। और ऑरेंज में आने के बाद हाई को थोड़ा सा आपको प्लस करना होगा, सेचुरेशन को माइनस में करना होगा, और फिर निमोनिशन को भी प्लस में करना होगा। देखो लाइट आ गया।
और डन करके बाद इसमें थोड़ा आ जाइए ये वाला एंगल, फिर इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। अगर फ़ोटो को आपको एच डी क्वालिटी में करना है तो आपको थोड़ा सा ये वाला बढ़ाना होगा, ठीक है। ये टूल को बढ़ा दीजिए, देखिए थोड़ा एच डी हो गया कि फ़ोटो फटेगा नहीं। अब आपको स्मूथ करना होगा, अगर आपको फ़ोटो स्मूथ करना है चाहते हैं तो आप स्मूथिंग में इसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं कि फ़ोटो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, रियल टाइप का लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से फ़ोटो को हम कर देंगे डन, मतलब सेव टू डिवाइस कर देंगे, ठीक है, सेव टू डिवाइस कर देंगे, ओके। अब मेरा फ़ोटो गैलरी में सेव हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ऐसे वीडियो मैं लाते रहता हूँ।